हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी शाम को तकरीबन 5:30 बजे मैं आया हूँ रावेरखेड़ी। मध्य प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पे बाजीराव पेशवा का समाधि स्थल है। मैं इसकी पिक जो है फ्रंट एंड कैमरे से आपको वॉल पे दे दूँगा या वीडियो में शेयर कर दूँगा। ये वो जगह है जहाँ पे बाजीराव पेशवा अपने समाधि समय में, मरते समय वो यहाँ रुके हुए थे। ये नर्मदा के किनारे है और नीचे की तरफ चलते हैं, नर्मदा पे घाट के पास चलते हैं। दोस्तों, घाट काफ़ी नीचे की तरफ है और ये देखिए नर्मदा का व्यू, बिल्कुल सनसेट आपको दिख रहा है, सनसेट होने वाला है। आज मेरा मन किया कि मैं बाजीराव के समाधि स्थल पे विजिट करूँ। मैं आज आया हूँ, एक्चुअली मैं एमपी में हूँ और एमपी में जहाँ मैं हूँ वहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर ये जगह है, 70 से 75 किलोमीटर दूर ये जगह है नर्मदा घाट पे रावेरखेड़ी। आप लोगों ने मूवी में तो देखा ही होगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसा कि मूवी में आप लोगों ने देखा है कि मरते समय पेशवा बाजीराव जो है दौड़ते हुए, बिल्कुल नदी में दौड़ते हुए चले जाते हैं अपनी तलवार लिए हुए। तो 40 किलो की तलवार लेकर के भागते हुए हवा में, बहुत ही कम है, लोग यहाँ पे आराम से मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज घूमने के लिए आया हूँ, अगर मैं आज कपड़े लेकर के आया होता तो मैं भी बिल्कुल इसमें काफ़ी एंजॉय करता, बट मैं एटलीस्ट पानी टच करके तो ज़रूर जाऊँगा। मुझे आए हुए यहाँ तकरीबन 1 घंटा हो गया, यहाँ बहुत अच्छी हवा बह रही है, शांति बहुत है, लोग यहाँ थोड़ा नदी में नहा वहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ इतनी अच्छी और ठंडी हवा बह रही है कि लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम है। और इस नदी की और एक तो खास बात अगर आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की जान कही जाती है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। बस जो भी सिंचाई है, सब कुछ, सारी व्यवस्था इसी से होती है। रहे हैं कि यहाँ नर्मदा में काफ़ी लोग नहाने आए हैं, जो कि नारियल वगैरह लेकर के भी आए हैं, और धार्मिक दृष्टिकोण से ये लोग यहाँ नारियल को चढ़ाएंगे, पूजा पाठ भी थोड़ा करेंगे, चूँकि नर्मदा यहाँ की काफ़ी लाइफ लाइन है, तो जाहिर सी बात है पूजनीय है यहाँ पे बिल्कुल। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है और पानी के अंदर काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ। एक्चुअली मैं कल रात को मूवी देख रहा था, बाजीराव मस्तानी, तो मेरा मन हुआ कि जब यहाँ पास में ही है और मैं कभी यहाँ आया नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आज अभी एमपी में हूँ और एमपी में होते हुए भी यहाँ की नियरेस्ट प्लेसेस को अगर मैं विजिट ना करूँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो मैं आज प्लान किया कि एक्चुअली मेरा मन तो काफ़ी पहले से था, बट आज मेरी छुट्टी थी और मैंने प्लान किया कि नहीं आज चलते हैं। मैं अभी कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोगों से भी मैं पूछूँ, इंटरेस्टिंग होगा। हवा बहुत कम बह रही है, बहुत ही कमाल की हवा बह रही है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं पानी में गिर ना जाऊं, वरना मेरा पूरा कपड़ा खराब हो जाएगा। और नदी यहाँ पे इतनी गहरी नहीं है, थोड़ी छिछली नदी है अभी, क्योंकि पानी कम है, कहीं कहीं से लोग बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, वहाँ ऊपर लोगों बच्चे अभी पानी के बीच में ऊँची जगह है जहाँ बैठे हुए हैं बच्चे। मैं अभी और अंदर तक जा सकता हूँ, बट मुझे डर लग रहा है कि मेरा कपड़ा ख़राब ना हो जाए, इस वजह से मैं नहीं जा रहा। थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लें दोस्तों, अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो। जैसा कि मैं अभी भैया लोगों से पूछा, और ये सभी गांव के भैया लोग, इन लोगों को भी इस बारे में अच्छी जानकारी है, कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे इन लोगों से मिल करके कि इन लोगों ने इतनी अच्छी जानकारी रखी है इस नदी के बारे में।
ये नदी पूरब से पश्चिम इसलिए बहती है क्योंकि जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में अलग हो जाती हैं तो बीच में एक वैली बन जाती है और उस वैली की स्लोप जिस डायरेक्शन में होती है नदी वहाँ बहती है। मिला ही भैया लोगों से बात की। भैया आपका नाम क्या है? क्या नाम भैया? रितेश। रितेश भैया ने भी बताया काफ़ी कुछ। और आप क्या बता रहे थे भैया, आपका नाम क्या है? नरेंद्र पटेल। नरेंद्र पटेल भैया ने भी काफ़ी जानकारी दी यहाँ के बारे में। और अभी नरेंद्र भैया ने मेरे को बताया कि यहाँ जस्ट ऊपर में एक 250 साल पुराना महाकाल का मंदिर है। अभी मैं इनके साथ जाऊंगा वहाँ भी दर्शन करने। और बताया वहाँ पे भी व्यू बहुत अच्छा आता है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं सनसेट होने वाला है और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 10 मिनट में सनसेट हो जाएगा। और ये सनसेट का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा है, बहुत ही प्यारा। तो चलिए दोस्तों अब चलते महाकाल के मंदिर में और जल्दी से सनसेट होने से पहले वहाँ पर भी विजिट करके आते हैं। और यहाँ का चारों तरफ का जो भी है लोकेशन नज़ारा बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आ रहा है। चलिए चलते हैं दोस्तों महाकाल के मंदिर में दर्शन करने। और दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल के मंदिर जो कि यहाँ ऊपर थोड़ी पहाड़ी पे है। रामेश्वर मंदिर नाम है इसका। ये 250 साल पुराना मंदिर है और लगभग हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर पर। आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ। ये है महाकाल का मंदिर। एक चीज़ मुझे यहाँ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं पहाड़ पे जो कि आने वाले समय में यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा काम करेंगे। यहाँ की खूबसूरती में ये पौधे काफ़ी चार चांद लगाएंगे। पहाड़ पे बहुत ऊपर है। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ यहाँ जो 250 साल पुराना मंदिर जो कि मुझे नरेंद्र पटेल भाई ने मुझे बताया था। जो 250 साल पुराना मंदिर है, रामेश्वर मंदिर है, ये महाकाल का मंदिर है। और ये आप लोगों को दिखाता हूँ, नर्मदा से ये इस ऊंचाई पे है और सनसेट होने में भी लगभग अभी 10 मिनट का समय बचा हुआ है। और अभी मैं ये भैया लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये लोग बताएंगे इस मंदिर के बारे में जो भी थोड़ी बहुत दो चार लाइनें भैया बताएंगे आप लोग कि इस मंदिर के बारे में क्या खासियत है या कुछ भी। नमस्कार, मैं विजय चौधरी। आज आप खरगोन जिले के ग्राम रावरखेड़ी में उपस्थित है और ये जो रामेश्वर मंदिर है शंकर जी का, ये सन 1730 में बाजीराव पेशवा जी ने खुद ये मंदिर को निर्माण किया था। जब यहाँ पर मंदिर नहीं हुआ करता था, जब एक बार वो इधर से दौरे से निकले थे तब यहाँ पर 1730 में रामेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। और यहीं पर उन्हें लू लगने से, रावरखेड़ी के किनारे से ही हमारे बाजीराव पेशवा की लू लगने से यहाँ पर देहांत हो गया था और उनकी समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर बहुत आनंद होता है कि एक साइड देखे तो 10 किलोमीटर की नर्मदा दिखाई देती है और एक साइड देखे तो हमारे भोले शंकर जी बैठे हुए हैं, विराजमान है। तो साथियों, ये जिस प्रकार से भाई खरगोन से यहाँ पर घूमने आए हैं इस पर्यटन स्थल पर, आप सभी से भी मैं आग्रह करूँगा एक बार इस रावरखेड़ी की पावन धरा पर जरूर पधारे और यहाँ के जो पुरातात्विक चीज़ें हैं उनसे जरूर रूबरू हो ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपन पुरातत्व के बारे में जानकारी दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला भैया आपने, बहुत अच्छा। जैसा कि भैया ने अभी वीडियो में बताया कि एक तरफ लगभग 10 किलोमीटर की पूरी नर्मदा की धारा दिखाई देती है, तो ये धारा आप लोगों को दिखाता हूँ। और वाकई में बहुत ही सुनहरा दृश्य है। एक तरफ सनसेट का दृश्य, दूसरी तरफ ये इतनी लंबी दूर तक फैली हुई नर्मदा नदी, दूसरी तरफ ये रामेश्वर मंदिर इस तरफ। तो वाकई में ये बहुत ही अनोखा दृश्य है जो कि बिल्कुल जिसे कैमरे में तो मैं कैद कर ही नहीं सकता। बस मैंने कोशिश की है कि इसे थोड़ा सा कैमरे में कैद कर सकूं, आंखों से देखा जाए तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य है ये। और एक बार फिर से भैया लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप भी लोग अपना चाहो तो नाम बता सकते हो भैया, बताओगे क्या? अभी हम लोग एक और भैया का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो आ गए तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊँगा। क्योंकि ये लोग बता रहे हैं, जब से आया हूँ मैं इन लोगों ने काफी बार उनका नाम लिया कि वो काफी अच्छा अनिल बाजीराव बता पाएंगे। हम बाजीराव के नाम से जानते हैं, काफी अच्छा बता पाएंगे। समझो कि बाजीराव का जो यहाँ पर समाधि स्थल है जिन्हें भूलने की कोशिश कर रहे थे, तो अनिल भाई बिरला ने उन्हें बाजीराव के नाम से जानते हैं। उन्हें लड़के का नाम भी बाजीराव है। उन्होंने बहुत मेहनत करी और आज पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में ग्राम रावरखेड़ी का नाम रोशन किया है। वो वास्तव में बाजीराव का एक तत्व ही है, अनिल भाई बाजीराव। मंदिर का एक मैं अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि पूरा अंधेरा हो रहा है। ये है यहाँ पे रामेश्वर
मंदिर यहाँ पे महाकाल जी का ये दर्शन और मंदिर का ये व्यू, ये पूरा मंदिर का व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के दोस्तों। और यहाँ पे इन लोगों से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। साथियों, ये दीपक जी प्रसाद भाई साहब जिस प्रकार से इनकी आवाज और इनकी कार्य से यहाँ पर उपस्थित 15.5 युवाओं को इन्होंने मन प्रफुल्लित कर लिया, तो आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है और इन 15 साथियों की ओर से भी रिक्वेस्ट है कि दीपक जी प्रसाद जी का चैनल सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के जो पुरातात्विक चीजें हैं और युवा पीढ़ी किस तरीके से इससे रूबरू हो सकती है, तो एक बार दीपक प्रसाद जी का चैनल सब्सक्राइब करें और एक बार जरूर इनकी चीजें देखें। तो दोस्तों, मैं जब से यहाँ आया हूँ काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ अनिल भाई हैं जिन्हें काफ़ी जानकारी है, खास करके इस रावेरखेड़ी जो पावन धरा है और बाजीराव पेशवा, साथ ही साथ यहाँ पे ये जो मंदिर है महाकाल का रामेश्वर मंदिर। तो मैं अनिल भाई को अब पूछता हूँ, अनिल भाई से पूछता हूँ कि आप कुछ बताइए इस गांव के बारे में और बाजीराव पेशवा, नर्मदा नदी और ये मंदिर के बारे में, जो भी दो शब्द आप बता सके अनिल भाई। नमस्कार, मेरा नाम अनिल बिरला गुर्जर है और इस वक्त हम नर्मदा के दक्षिण तट पेशवा बाजीराव की समाधि ग्राम रावेरखेड़ी में है। बाजीराव पेशवा समाधि चूंकि मध्य प्रदेश पर्यटन का दर्जा प्राप्त एक जगह है, राष्ट्रीय स्मारक है, और यहाँ पर पेशवा बाजीराव की मृत्यु आज के 290 वर्ष पूर्व 28 अप्रैल 1740 को हुई थी। जब पेशवा बाजीराव अपने 1,00,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो पेशवा बाजीराव का नर्मदा किनारे यहाँ पड़ाव होता था। क्योंकि नर्मदा यहाँ पर उतली होती थी इसलिए सेना को पार करना भी आसान होता था, इसलिए जब भी दिल्ली की ओर कूच करते थे उससे दक्षिण की ओर तो रावेरखेड़ी रुकते थे। ऐसे ही अप्रैल महीने में एक बार पेशवा जब रुके 21 अप्रैल को, तो उन्हें लू लग गई और लू लगने से पेशवा बाजीराव की इसी जगह रावेरखेड़ी जिला खरगोन मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई। उनके मरने के 10 वर्ष पश्चात 1750 में ग्वालियर के राणोजी शिंदे, जो कि पेशवा बाजीराव के सूबेदार थे, उनके द्वारा फिर यहाँ पर एक समाधि का निर्माण कराया गया। साथ ही जो पीछे रामेश्वरम मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण स्वयं पेशवा बाजीराव ने 1731 में अपनी पत्नी काशीबाई के कहने पर करवाया था। और पेशवा बाजीराव सब पत्नी जब भी यहाँ रुकते थे पूजा पाठ करते थे और पेशवा बाजीराव को बचाने के लिए अंतिम दिनों में लाखों महामृत्युंजय जाप इसी रामेश्वरम मंदिर में कराए गए थे। मंदिर और समाधि आमने सामने स्थित है 300 मीटर की दूरी पर। अनिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के साथ शेयर की। और जैसा कि दोस्तों अब बिल्कुल सनसेट हो गया है और 10 किलोमीटर दूर यहाँ जो नर्मदा है, और अभी भैया ने मुझे बताया कि ये उधर नर्मदा के उधर वो बैक वाटर है और सनसेट का दृश्य भी आप लोग को बहुत अच्छा दिख रहा है। जहाँ बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है और ये अंदर मंदिर है, काफ़ी शाम हो गई है तो ताला बंद हो गया है, बट यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। शाम के 7 बजने वाले हैं का आपको 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा अब कुछ तो ऐड नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों। और ये वो जगह है जहाँ से पेशवा बाजीराव ने दौड़ते हुए नर्मदा में उनकी जान गई थी, तो ये वो जगह है, इस ऊंचाई से है वो। और जैसा कि मुझे यहाँ गांव में पता चला कि इस ऊंचाई से दौड़ते हुए वो नर्मदा में गए थे, जहाँ अपनी 40 किलो की तलवार लिए हुए यहाँ उनकी जान गई थी स्थल में। यहाँ शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पेड़ के नीचे, और ये भैया लोग भी दर्शन करने आए हैं, ये कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। मनावर से आए हैं हम यहाँ पर दर्शन करने, बाजीराव पेशवा, बाजीराव की समाधि स्थल पर आए हैं। पेशवा की प्रथम समाधि स्थल पे, पेशवा प्रथम उनकी समाधि स्थल है यहाँ पे, भैया ये भी लोग दर्शन करने आए हैं और देखने आए हैं। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा है कि हर कोई देखने आना चाहेगा, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये इतने अच्छे प्यारे जगह पे आप लोग जरूर आइए। और बिल्कुल एक नई जगह है जो कि जल्दी लोग, बहुत कम लोग आते हैं यहाँ देखने, बट ये जगह इतनी अच्छी है, इतनी शांति है यहाँ पे, खास करके इस कोरोना के दौर में जब भीड़ भाड़ जगहों पर लोग जाना पसंद करते हैं, इस शांति भरे जगह पर अगर आते हैं तो यहाँ का आनंद ही बहुत अलग है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल दीपक प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और बाजीराव पेशवा के समाधि स्थल पे जरूर दर्शन करिए, एक बार जरूर विजिट करिए। और ये जगह के बारे में आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ दर्शन करके, यहाँ विजिट करके जरूर बताइए कमेंट करके। ऐसे निकलते निकलते मैं यहाँ पे गांव के तो 2-3 छोटे बच्चों को मिला,
इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों अपना नाम बताओ। अजय वंशिका। तुम बताओ। बच्चों एक बार चैनल पे बाय बोलो। बाय। और एक बार बोलो दीपक प्रसाद भैया का चैनल सब्सक्राइब करें। बोलो दीपक प्रसाद भैया का चैनल सब्सक्राइब कर दें। दीपक भैया का चैनल सब्सक्राइब कर दें। दीपक प्रसाद भैया का चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है बाय। दोस्तों वैसे तो मैं बहुत से गांव गया हूँ, लेकिन आज एक बहुत ही विशेष गांव गया, नर्मदा के किनारे गांव रावरखेरी, पेशवा बाजीराव की समाधि स्थली। और इस गांव में जा करके मेरी मुलाकात बहुत से प्यारे साथियों से हुई, जिनसे मिलके मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया इन प्यारे साथियों के इतने अच्छे बर्ताव, इतने अच्छे व्यवहार के कारण मेरा मन गदगद हो गया। और वैसे तो मैं बहुत ही एक सामान्य ब्लॉग बनाने के लिए गया था, लेकिन इन साथियों की मदद से मेरा आज का ब्लॉग बहुत ही यादगार बन गया। जब नर्मदा के किनारे में ब्लॉगिंग कर रहा था, तो वहीं मेरी मुलाकात नरेंद्र भाई से हुई, जिन्होंने मुझे बताया, जिसके बारे में मुझे पहले से नहीं पता था, कि वहीं नर्मदा घाट से थोड़े ऊपर पहाड़ चढ़ के जाने पे शिव जी का एक मंदिर है जो 250 साल पुराना है। और फिर इन साथियों के साथ मैं उस मंदिर में दर्शन करने गया। वहां मंदिर में दर्शन करने के दौरान मेरी मुलाकात विजय भाई से हुई, जिन्होंने उस मंदिर के संबंध में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां मेरे ब्लॉग पे शेयर की। और वहां पे उपस्थित मेरे सभी साथियों ने एक बहुत ही विशेष व्यक्ति से मेरी मुलाकात कराई, जो उस गांव के बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, अनिल भाई, जिन्होंने अपने पेशवा बाजीराव के प्रति समर्पण दिखाया और मुझे पेशवा बाजीराव, काशीबाई, समाधि स्थली, साथ ही शिवजी के मंदिर और नर्मदा घाट से संबंधित बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां मेरे ब्लॉग पे शेयर की। और अनिल भाई के समर्पण को देख करके, अनिल भाई के पेशवा बाजीराव के प्रति समर्पण को देख करके मैं इतना ज्यादा प्रभावित हुआ जब मैंने सुना कि उन्होंने अपने बच्चे तक का नाम बाजीराव रखा है। और आज समय की कुछ कमी के कारण मैं छोटे बाजीराव को अपने इस वीडियो में शामिल तो नहीं कर पाया, पर वादा रहेगा अगली बार कभी भी इस गांव में जाऊंगा ब्लॉगिंग के लिए तो छोटे बाजीराव को भी इस वीडियो में शामिल करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों संबंधियों से मेरा वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। और आखिरी में, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए ब्लॉग में कुछ नए अच्छी बातों और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।